दोस्तों, मेरठ से प्रयागराज तक 628 किलोमीटर में बन रहा गंगा एक्सप्रेस वे का 92.24% भूमि अर्जन कार्य पूरा हो गया है। शाहजहानपुर में 94% जमीन का बैनामा करा लिया गया है। अब मात्र 25 हेक्टेयर का बैनामा शेष है। 6 गांव की जमीन पर प्रस्तावित हवाई पट्टी की जमीन भी सुरक्षित कर ली गई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर निर्माण के लिए निविदा प्रतिक्रिया को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस वे को धरातल पर लाने के लिए करीब 7200 करोड़ की भूमि अधिग्रहण के लिए निर्गत की गई थी। 12 जनपदों में करीब 628 किलोमीटर में 92.24% भूमि अर्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शाहजहानपुर जनपद की 3 तहसीलों में 41 किलोमीटर की सीमा में आने वाले करीब 5000 किसानों ने गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भूमि दी है। जनपद में जलालाबाद तहसील में सर्वाधिक 27 किलोमीटर क्षेत्र गंगा एक्सप्रेस वे में शामिल हुआ है। इसी क्षेत्र के गांव चमरपुरा कला, पीरू, डिहुरा, बढ़ोरा, खूटा, नगला तालुके खंडर में हवाई पट्टी का निर्माण होगा। सदर तहसील सदर की सीमा में हवाई पट्टी के पास होगी। इस हवाई पट्टी की खासियत ये होगी कि इसे घरेलू विमानों के साथ जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमानों के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा। तहसील सदर जलालाबाद तिलहर के 5000 से अधिक किसानों की 516.40 हेक्टेयर जमीन का बैनामा होना था। प्रशासन 94% के करीब भूमि का बैनामा करा चुकी है। 25 हेक्टेयर में जमीन शेष बची है। इसमें कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन है। 90% के मानक से अधिक बैनामा की दशा में शेष का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कारगिल विक्टी पावर में सफलता न मिलने पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हवाई पट्टी के प्रयास शुरू किए थे। अनुकूल समय आने पर उनके अरमान पूरे हो गए। गुरुवार को यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अविनाश अवस्थी ने गंगा एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट पर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहानपुर में हवाई पट्टी के प्रस्ताव के लिए खुशी जताई। जलालाबाद में तहसीलदार के रूप में पत्नी तपस्या यादव के साथ सर्वाधिक जमीन का बैनामा कराने वाले अजय कुमार अब पूरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं। यूपीडा में भूमि अर्जन अधिकार का दायित्व मिलने के बाद उन्होंने कार्य को प्रगति दे दी है। गंगा एक्सप्रेस वे का भूमि अधिग्रहण कार्य मानक से अधिक होने पर टेंडर प्रतिक्रिया की मंजूरी दे दी गई है। शाहजहांपुर जनपद में हवाई पट्टी भी प्रस्तावित की गई है। यह जनपद के लिए बड़ी उपलब्धि है। गंगा एक्सप्रेस वे के साथ हवाई पट्टी के निर्माण से जनपद को तीव्र विकास मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।